नमस्कार। बोर्ड पे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वह क्वेश्चन जो CSIR-UGC-NET 2011 जून में पूछा गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फंक्शन एफ जो कि एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और ये लिख दिया गया कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट वो जो उसका जनरल फॉर्म है वो एक इमेजिनरी पार्ट इसमें गिवेन है वी एक्स वाई क्या है भाई 3xy² और चार स्टेटमेंट दे दिए गए और आपसे पूछे जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक पार्ट दिया गया है इस फंक्शन का, इस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट दिया गया है और जो ऑप्शंस हैं उसको हमें चेक करना होगा। ऑप्शन में क्या बोल जा रहा है, एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक, एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर एनी च्वाइस ऑफ यू, कि भाई ये तो आपका वी 3xy² है लेकिन एफ होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक रेगुलर और एनालिटिक ये तीनों एक ही शब्द हैं, तीनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पे होलोमॉर्फिक 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 बार बार लिखा है, तो हमें ये दिखा इसको चेक करना है कि एफ के लिए मतलब इस वी के लिए हमें क्या कोई हार्मोनिक यू मिलेगा, क्योंकि आपको ये रिजल्ट मालूम है कि अगर एफ जेड, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ जिसका यूज करने वाला हूँ, एफ जेड इज एनालिटिक, इसका मतलब क्या है, इट सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज लपलास इक्वेशन। अब भाई लपलास इक्वेशन क्या है, लपलास इक्वेशन ये है डेल टू, अब यहाँ पे कुछ भी रहे मतलब अगर मान लीजिए कि हम W लिखते हैं डेल क्यू W इज इक्वल्स टू जीरो, तो हम कहते हैं कि लपलास इक्वेशन को ये जो फंक्शन W है वो सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में बात करेंगे तो लपलास इक्वेशन इन टू डायमेंशन में बात करेंगे, ऐसे थ्री डायमेंशन के लिए भी लपलास इक्वेशन आप वेक्टर कैलकुलस वगैरह में देखते होंगे। ये देखिए ये जो उल्टा ट्रायंगल है ना ये क्या होता है, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू और ये क्या ओवर W, अगर ये जीरो हो गया तो हम कहते हैं कि W जो है वो लपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। और इसी को एक और चीज़ कहते हैं वो ये कि भाई W इज हार्मोनिक फंक्शन, मतलब जो W है वो आपका हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, मतलब अगर आपका एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो वह लपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और उसके पास जो होता है उसका जो दोनों आप जानते हैं कि अगर W मान लीजिए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा तो इसके पास रियल पार्ट फंक्शन होगा इमेजिनरी पार्ट फंक्शन होगा, W को हम U प्लस आयोटा V के रूप में रखेंगे। तो यहाँ पे जब W अगर इसको लपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एट द सेम टाइम U भी लपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, V भी लपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और तब हम लोग कहते हैं कि भाई हार्मोनिक कंजुगेट, U और V जो है उसको बोलते हैं हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, ये सारी कहानी है, ये सारे चीज़ें हैं। अब इसका इससे क्या रिलेशन, इसका इस्तेमाल करके इसको कैसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो भाई साहब देखिए ये जो वर्ड एनालिटिक है इसके जगह पे ये होलोमॉर्फिक लिखा है ताकि सुनने में थोड़ा अच्छा लगे। और अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे V गिवन है तो V हार्मोनिक है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, अगर V हार्मोनिक होगा तो उसके कोरस्पोंडिंग एक हार्मोनिक U भी फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन अगर V ही हार्मोनिक नहीं होगा तो उसके कोरस्पोंडिंग हार्मोनिक U कैसे फाइंड आउट करेंगे और तब हमें कंक्लूजन्स मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये पूरी रामायण मैंने आपको बताई। अब हम देखेंगे कि हमारा जो V है क्या वो हार्मोनिक है, क्योंकि वही इस पूरे कहानी को बिल्कुल क्लियर करेगा। चलिए देखते हैं, चेक वेदर वी एक्स वाई इज हार्मोनिक, क्या वी एक्स वाई हार्मोनिक है, चलिए चेक करते हैं भाई, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू, वी देखेंगे कि जीरो होता है कि नहीं होता है, ये हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू और वी एक्स वाई क्या है भाई 3xy²
पार्शियल डेरिवेटिव लगाइए दो बार, सबसे पहली बार 3x भी है, x को कहाँ खा गए, 3xy2 है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, क्योंकि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दो बार करना है, तो एक बार करेंगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, इसीलिए एक बार करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 3y2 आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। मतलब यहाँ से आप देखिए, अगर हम डेल बाय डेल एक्स करेंगे इसका 3xy2 का, तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो 3y2 आएगा। अब तो ये बेचारा कॉन्स्टेंट ही बचा, एक बार फिर जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया जीरो। तो लो भाई, इसको अगर इस पर ऑपरेट करते हैं तो मिल गया जीरो। अब अगर हम इसको इस पर ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस पे, तो x कांस्टेंट की तरह काम होगा। तो जब हम डेल अपॉन डेल y 3xy2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x, तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y मतलब 6xy। और एक बार फिर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस 6xy को एक बार फिर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा 6x, क्योंकि यही तो है डेल 2y अपॉन डेल 2 अपॉन डेल 2v अपॉन डेल y2। तो ये क्या मिल जाएगा 6x, और यहाँ पे x जो है वह कांस्टेंट है, ठीक है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि x को हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है। तो यहाँ से ये मिल गया 6x। अब इसको मिटा दिया जाए इन सबको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल चुका है यहाँ पे 6x, जो कि जीरो के बराबर नहीं हुआ। तो हैंस वी एक्स वाई इज नॉट हार्मोनिक, VXY आपको हार्मोनिक नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको UXY भी, मतलब जो है वो हार्मोनिक नहीं मिलेगा। इसका मतलब FZ आपको हार्मोनिक नहीं मिलने वाला है फॉर एनी चॉइस ऑफ यू, मतलब FZ एनालिटिक नहीं मिलेगा, क्योंकि जब V ही हार्मोनिक नहीं है तो U हार्मोनिक हम कहां से ढूंढेंगे, और जब U और V हार्मोनिक नहीं है तो FZ एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि अगर FZ एनालिटिक है तो उसके कॉन्जुगेट्स जो हैं वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होंगे। और अगर हार्मोनिक अब इसका अगर उल्टा अगर हम देखें, इफ दिस इंप्लाइज, मतलब इफ P इंप्लाइज Q देन नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। मतलब क्या, FZ अगर होलोमॉर्फिक या एनालिटिक है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा, और अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं मिला तो FZ एनालिटिक नहीं मिलेगा। वही तो हुआ है यहाँ पे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं मिला, ये जो V था वो लपलास को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, इसीलिए यह हार्मोनिक कॉन्जुगेट को से, यह मतलब जो है इसका कोई भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे कि यह एनालिटिक हो जाए। तो इसीलिए ए ऑप्शन सही है, एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक, मतलब नॉट बी एनालिटिक ऑन सी फॉर एनी चॉइस ऑफ यू, ठीक है। अब है कि भाई एफ इज होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर सुटेबल चॉइस ऑफ यू, ये गलत है, किसी के लिए नहीं हो रहा है यहाँ पे। F is holomorphic on C for all choices of U, ये तो बिल्कुल गलत है। अब कहता है V is not differentiable as a function of X and Y, कहता है कि V differentiable नहीं है, क्यों नहीं है differentiable भाई, इसका जो partial derivatives है del V by del X आप निकाल लो, del V by del X क्या आएगा 3Y square आएगा, ये continuous है, del V by del Y निकाल लो, डेल बी बाय डेल वाई निकाल लो आप 6xy, ये भी पोलिनोमियल, ये भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वी एक्स वाई का जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कॉन्टिन्यूस है, तो निश्चित तौर पे वी डिफ्रेंशिएबल होगा, जबकि ये लिख रहा है कि नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, ए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एनालिटिक फंक्शन को, उसको एक के बाद एक हम लेकर आते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।